दिल्ली का साकेत कोर्ट बटला हाउस एनकाउंटर केस में इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या और दूसरे पुलिस कर्मियों पर हमले के जुर्म में दोषी ठहराए गए शहजाद अहमद को कल सजा सुनाएगा। शहजाद को कोर्ट ने 25 जुलाई को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने और उनके काम में बाधा डालने के जुर्म में दोषी ठहराया था। अदालत ने शहजाद को हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई मामलों में दोषी पाया है, जिसके लिए उसे मौत की सजा तक हो सकती है। बटला हाउस एनकाउंटर दिल्ली में सिलसिलेवार तरीके से हुए बम विस्फोट की घटनाओं के 6 दिन बाद जामिया नगर इलाके में स्थित बटला हाउस में 19 सितंबर 2008 को हुआ था। बम विस्फोट की इन घटनाओं में 26 लोग मारे गए थे और 133 अन्य जख्मी हो गए थे। इशरत जहां एनकाउंटर केस में भगोड़ा घोषित आईपीएस पीपी पांडे ने सरेंडर कर दिया है। पीपी पांडे एम्बुलेंस से कोर्ट पहुंचे। आईपीएस पीपी पांडे को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोर्ट ने पीपी पांडे को अहमदाबाद की अदालत में 29 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान सीबीआई पांडे को गिरफ्तार नहीं करेगी। 1982 बेंच के आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे इस समय गुजरात में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। अहमदाबाद में 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस के साथ मुठभेड़ में इशरत जहां के साथ जावेद शेख उर्फ परेश पिल्लई, अमजद अली, अकबर अली राणा और जीशान जौहर मारे गए थे। यूपी सरकार अलग तेलंगाना राज्य पर कल यानी मंगलवार को अपनी औपचारिक मुहर लगा सकती है। इस सिलसिले में कल यूपीए की समन्वय समिति की बैठक होगी। कल ही कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक इस मुद्दे पर होनी है। तेलंगाना के मौजूदा प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और टीआरएस दोनों के भीतर अपने अपने एतराज भी हैं। इन मुद्दों पर कल की बैठक में चर्चा हो सकती है। खास बात है कि आंध्र प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने केंद्रीय नेताओं के इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया है। तेलंगाना पर यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले आज शशिधर रेड्डी कांग्रेस महासचिव और आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे। कल कार्यकारिणी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसमें लगता है कि बहुत लंबे अरसे से चले आ रही है इस समस्या का कुछ समाधान निकलेगा। कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने उस बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट बिकती है। अपने बयान पर सफाई देते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके कहने का मतलब था कि राज्यसभा और लोकसभा में सिर्फ करोड़पति पहुंच रहे हैं, गरीबों की फिक्र करने वाला कोई नहीं है। गौरतलब है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट बिकती है। वीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली है और आरोप लगाए हैं कि कुर्सी काबिलियत से नहीं बल्कि दान में मिलती है। दरअसल वीरेंद्र सिंह मनमोहन कैबिनेट में जगह न मिलने से खासे नाराज हैं। ऐसी कोई बात नहीं कही कि मेरे को ये एट्रीब्यूट किया जाए कि 80-80 करोड़ या 100-100 करोड़ में एमपी की पोस्ट खरीदी जाती है, वो तथ्यों से परे है। दिल्ली से सटे नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने के कारण चर्चा में आई एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दुर्गा शक्ति के निलंबन के मुद्दे को लेकर आज आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्यवाहक मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ दुर्गा शक्ति भी मौजूद थी। एसोसिएशन ने दुर्गा शक्ति को बिना नोटिस दिए निलंबन को वापस ले जाने की मांग की है। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक दुर्गा शक्ति के निलंबन पर यूपी सरकार पुनर्विचार कर सकती है। ज्यादा सख्त कार्रवाई हो गई है, उन्होंने डिमांड करी कि इसको रिवोक कर लिया जाए, तो बातें भी रखी हैं उसको हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल के दिनों में खनन माफिया के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए चर्चा में रही गौतम बुद्ध नगर की उप जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को परसों निलंबित कर दिया था। 2009 बैच की आईपीएस अधिकारी और गौतम बुद्ध नगर सदर तहसील के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को रघुपुरा थाना क्षेत्र के कादलपुर गांव में निर्माणाधीन धर्मस्थल को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटवा देने के कारण 27 जुलाई की रात निलंबित कर दिया गया। दुर्गा शक्ति ने हाल के दिनों में नोएडा में यमुना और हिंडन नदी में तटवर्ती इलाकों में चल रहे अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चला रखा था और अवैध खनन के मामले में लगभग 2 दर्जन एफआईआर दर्ज कराई थी। दुर्गा शक्ति को निलंबित किए जाने पर अखिलेश सरकार की किरकिरी हो रही है। आईएएस अधिकारी जो खनन माफियाओं के खिलाफ संघर्ष छेड़े थी और उन्होंने बहुत हद तक उस पर काबू पाया था और उनका निलंबन होना तो बहुत गलत संदेश गया है। दिल्ली में बीजेपी महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि यह हो सकता है कि मिशन 2014 मिशन 2013 में बदल जाए। सुषमा ने दावा किया कि देश के हालत को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम चुनाव इसी साल हो जाएं। साथ ही सुषमा ने कहा कि इस समय देश में हवा का रुख बीजेपी के पक्ष में है। सुषमा ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। जिस हालात में आज देश है और जिस तरफ बढ़ रहा है, ये सरकार पूरा समय पार कर सकेगी इसमें संदेह है। 2014-2013 नहीं आ जाए तो इसलिए अपनी गति पकड़नी होगी।
भारत के सिविल एविएशन में विदेशी निवेश के सबसे बड़े मामले यानी 2000 करोड़ रुपए के जेट एतिहाद डील पर आखिरकार मुहर लग गई है। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इस डील को मंजूरी दे दी है। FIPB यानी विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड ने एक बार फिर डील पर विचार किया। इससे पहले तमाम सवालों के समाधान के लिए जेट और एतिहाद ने इस समझौते पर फिर से काम किया। नए समझौते के अनुसार अब एतिहाद के 24% हिस्से के मुताबिक दो निदेशक होंगे और जेट एयरवेज के 4 निदेशक होंगे। निदेशक मंडल में दोनों के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बराबर होगी। नए समझौते के अनुसार एयरलाइन की व्यावसायिक और हवाई गतिविधियां भारत में ही रहेंगी। ऊंचे पदों पर नियुक्ति निदेशक मंडल के बहुमत के फैसले से होगी। सभी विदेशी नियुक्तियों के लिए भारत की तरफ से सुरक्षा की हरी झंडी जरूरी होगी। फरीदकोट के पूर्व महाराजा की बेटियों को 20 साल तक चली कानूनी जंग में जीत मिली है। अदालत ने 200 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति का वारिस बेटियों को बताया है। अदालत ने सर हरिंदर सिंह ब्रार की बेटी अमृत कौर के पक्ष में फैसला दिया, जिन्होंने वसीयत को चुनौती दी थी। चंडीगढ़ की अदालत ने फैसला सुनाया है कि पूर्व महाराज की वसीयत पर जारी दस्तखत किए गए, जिसके मुताबिक उनकी संपत्ति पर ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को चली गई जो महाराजा के पूर्व नौकरों और महल के अधिकारियों ने बनाया था। जिस जायदाद को लेकर अदालत ने महाराजा की बेटियों के हक में फैसला सुनाया है, उसमें चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की कई संपत्ति शामिल है। इसके अलावा एक 350 साल पुराना किला, 200 एकड़ में फैली हवाई पट्टी, सोना, जवाहरात और कई विंटेज कारें शामिल हैं। अब ये सारी संपत्ति महाराजा की दोनों बेटियों के नाम कर दी गई है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत के मामले में विपक्ष की सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। आज बिहार विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष छपरा मिड डे मील मामले पर काम रोको प्रस्ताव लाने की मांग कर रहा था। बीजेपी और RJD के विधायक विधानसभा के दरवाजे पर हाथों में पोस्टर लेकर खड़े हो गए। सरकार के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विपक्षी विधायकों ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। विपक्षी विधायकों ने उत्तराखंड में हुई त्रासदी के वक्त सरकार की ओर से कोई कदम न उठाए जाने पर भी जोरदार हंगामा किया, तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। महाराष्ट्र के बुलडाना में एक सरकारी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में 60 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग से बीमार हुई सभी छात्राओं की उम्र लगभग 12 से 15 साल की है। जिले में शेगांव के सरकारी स्कूल में छात्राओं को डिनर दिया गया। इसके बाद छात्राओं को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई छात्राओं को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं अस्पताल में भर्ती कई छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल लड़कियों के बीमार होने का सही कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन खाने के बाद बीमार हुई छात्राओं की हालत देखते हुए फूड पॉइजनिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के छपरा में हुए हादसे से भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, जहां मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सुरक्षा में आज बड़ी चूक हुई। आज शीला दीक्षित दिल्ली महिला आयोग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली सचिवालय पहुंची थी। कार्यक्रम के बाद शीला दीक्षित अपने घर के लिए निकल गईं, लेकिन शीला के काफिले के साथ चलने वाली 3 में से 2 पायलट गाड़ियां वहीं रुकी रहीं। दोनों पायलट गाड़ियों के ड्राइवर को शीला दीक्षित के निकलने की खबर नहीं लगी, लेकिन जैसे ही दोनों पायलट गाड़ियों के ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों को सीएम के सचिवालय से निकलने की खबर लगी, तो वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पायलट गाड़ियों के ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी शीला दीक्षित की गाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मौके पर गाड़ियों की भीड़ में ही फंस गई। वैसे एक पायलट कार के साथ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सुरक्षित अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन सीएम की सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक है। यूपी में एक बहन को अपने भाई की मोहब्बत की सबसे बड़ी सजा मिली है। पहले तो लड़की के घर वालों ने जबरदस्ती शादी की और फिर उसका गैंग रेप किया, और तो और इस पूरी वारदात में गांव की पंचायत ने भी साथ दिया। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां बेटी के बदले बेटी और शादी के बदले गैंग रेप का यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक मुजफ्फरनगर के एक लड़के ने इस साल फरवरी में घर से भागकर कोर्ट मैरिज की थी। शादी से लड़की के घर वाले बेहद नाराज थे, वो बदला लेना चाहते थे। पहले तो लड़की वालों ने लड़के की बहन की अपने परिवार के लड़के से शादी कराने को कहा, फिर पंचायत ने भी लड़के की बहन का निकाह लड़की के भाई से कराने का फरमान सुना दिया। पंचायत ने लड़के वालों पर 70,000 का जुर्माना भी लगाया। आरोप है कि 20 जुलाई को 3 रिश्तेदारों ने मिलकर लड़की का गैंगरेप कर दिया। पटना पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गंगा किनारे धावा बोल दिया, और जो कुछ पुलिस के हाथ लगा वो बेहद चौंका देने वाला था। मछली बेचने का ढोंग करने वाला ये गिरोह मरी हुई मछलियों के पेट में पिस्तौल और कारतूस छुपा कर ले जा रहा था। पुलिस ने मछलियों के पेट से 5 पिस्टल और 9 मैगजीन बरामद की है। इसके साथ पुलिस ने 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। हथियार की तस्करी करने वाले ने कबूल किया कि मुंगेर से कम कीमत में हथियार खरीद कर पटना लाया जाता है और यहां से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। मछली का
पेट काटकर मछली के पेट में भी हथियार रखकर उसको सप्लाई करके उसको ट्रांसफर करते हैं और बेचते हैं, ताकि उसे पता नहीं लगे कि मछली के पेट में हथियार है और उस तरीके से वो हथियार को बेचते हैं या फिर किसी और चीज में दबाकर हथियार को बेचते हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे कुछ लोगों ने एक अस्पताल में आकर जमकर हंगामा मचाया, तोड़फोड़ की और अस्पताल स्टाफ के साथ जमकर मारपीट भी की। मामला बिजनौर का है, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मारपीट और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। डॉक्टर पर हमला होते देख अस्पताल का स्टाफ भी भीड़ से भिड़ गया, लेकिन हमलावरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से स्टाफ भीड़ पर काबू नहीं पा सका। हंगामे, तोड़फोड़ और मारपीट की ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गयी। गुस्साए लोगों के हंगामे और तोड़फोड़ की खबर लगते ही मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गयी। यूपी में मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र में सड़क पर सो रहे कुछ कावड़ियों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में कावड़ियों के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा कावड़ियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इस भीषण हादसे में घायल हुए सभी कावड़ियों को इलाज के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे सभी कावड़िये रास्ते में सड़क किनारे सो गए। रात में किसी वक्त एक अज्ञात वाहन उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे यह भीषण हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। दिल्ली के आनंद विहार ISBT बस अड्डे पर लूट का मामला सामने आया है। एक प्राइवेट बस ऑपरेटर ने देहरादून से ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों को आनंद विहार बस अड्डे के सामने से यात्रियों को बिठाया। कुछ दूरी पर जाकर बस के ड्राइवर ने यात्रियों से कहा कि बस खराब हो गई है। बस खराब होने की बात सुनकर यात्रियों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। इसी दौरान बस में कुछ हथियारबंद युवक घुस आए और बस यात्रियों के साथ लूटपाट करने लगे। यात्रियों का आरोप है कि हथियारबंद युवकों ने बस में जा रहे सभी लोगों से कैश, मोबाइल फोन, सोने की चेन और सभी कीमती सामान को लूटकर फरार हो गए। मधुबिहार थाने में पुलिस ने पीड़ित यात्रियों की लिखित शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पैसेंजर का एक मोबाइल ब्लैकबेरी चोरी हुआ है और 3-4 हज़ार रुपए भी उनके चोरी हुए। हथियार भी थे उनके पास, बंदूक भी थी और वो कह रहे थे हम 2 मिनट का खत्म कर सकते हैं। मुंबई के भयंतर वेस्ट इलाके में बीती रात एक बेकाबू मारुति ओमनी कार ने 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें एक महिला है। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं हादसे के वक्त ड्राइवर किसी नशे में तो नहीं था। गाड़ी चला रहा था, उसको आईपीसी की कलम 279-337 और एफआईआर के 184 की तरफ से खारिज हो गया। हैदराबाद के जीरी मेटला में एक दंपति ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक शख्स का नाम राजाराम और उसकी पत्नी का नाम वसंता बताया गया है। दंपति से मिलने आए एक रिश्तेदार ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक दंपति के पास से एक सुसाइड बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में दंपति ने खुदकुशी का कारण उनकी मर्जी के खिलाफ बेटी की शादी करना बताया है। सुसाइड नोट में दंपति ने बेटी की शादी के बाद बदनामी के डर को आत्महत्या का कारण लिखा है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में मृतक राजाराम की लिखावट है। फिलहाल पुलिस ने संदेहास्पद हालत में खुदकुशी करने का केस दर्ज कर मृतक दंपति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दक्षिणी इटली में नेशनल हाईवे पर एक बस के खाई में गिर जाने से 36 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक खाई में गिरने से पहले यह बस सड़क पर चलती कई कारों से टकराई और फिर संतुलन बिगड़ने से गहरी खाई में गिर गई। पुलिस के मुताबिक नेपल्स के बाहर अवेलिनो के पास ये बस हादसा हुआ। इस भीषण सड़क हादसे के पीछे की वजह के बारे में अभी तक पूरा पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि ड्राइवर के बस पर से संतुलन खो देने की वजह से यह हादसा हुआ। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। हादसे के बाद दमकल कर्मियों के मुताबिक कुल 36 शवों को निकाल लिया गया है। मृतकों में बस का ड्राइवर भी शामिल है। फ्रांस के कान शहर में बंदूक की नोक पर लुटेरों ने यूरोप के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया है। हथियारबंद लुटेरों ने गहनों की प्रदर्शनी में करीब 3 अरब रुपए के गहनों पर डाका डाल दिया। ये लूट उस वक्त की है जब शहर के सबसे प्रतिष्ठित होटल फ्रेंच रिवेरा में आभूषणों की प्रदर्शनी चल रही थी।